फ्रेंड्स, मैं सरिता मिश्रा फ्रॉम एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से हेल्थ एंड हाइजीन एक्सपर्ट। आज मैं आपके बीच आई हूँ गार्लिक ब्रेड की रेसिपी लेके, जो कि बहुत ही टेस्टी है। और आइए अब मैं आपको इसके लिए रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनने वाला रेसिपी है। इसके लिए हम लेंगे फ्रेश ब्रेड, गार्लिक एंड चिली का, ग्रीन चिली का दरदरा पेस्ट है ये बटर है, सॉल्टेड बटर है, येलो बटर मैंने यूज किया है। ये चीज स्लाइस है और ये ऑप्शनल है, नेसेसरी नहीं है। ये आपका चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो, जो कि टेस्ट के लिए हम ऊपर से छिड़केंगे। ये रेसिपी बनाने के लिए हम पहले इसका करते हैं क्या कि पहले हम ब्रेड पे थोड़ा बटर को स्प्रेड करते हैं। और ये रेसिपी हमारा बनेगा माइक्रोवेव के ग्रिल मोड पे। ये हम पहले इसको एक लेयर बटर स्प्रेड करेंगे। इस पे मैंने बटर स्प्रेड कर लिया है, मैंने 4 स्लाइस तैयार किया है बनाने के लिए। अब इसके ऊपर एक लेयर मैं चिली और गार्लिक का दरदरा पेस्ट स्प्रेड कर रही हूँ। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, यदि आपको ज्यादा तीखा पसंद है तो आप थोड़ा ज्यादा मिर्च डालो, या कम तीखा पसंद है तो कम मिर्च डालो। ये मेरा ब्रेड रेडी है गार्लिक और चिली के पेस्ट के साथ। अब इसका लास्ट लेयर मैं लगाऊंगी, इस पे चीज स्लाइस डालूंगी। ये ऑप्शनल है, मैं ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स हल्का छिड़क रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में सबको थोड़ा हेल्दी मतलब तीखा वगैरह खाने का पसंद है। आपके यदि पसंद है देन आप डालो, अदरवाइज जरूरी नहीं है। आपके पास ऑरिगेनो या चिली फ्लेक्स घर पे नहीं अवेल है देन आप इस तरह से भी सिर्फ गार्लिक और ग्रीन चिली के साथ इसको बना सकती हैं। मैं इस पे चीज स्लाइस रख दे रही हूँ। ये मेरा 4 स्लाइस रेडी है चीज और गार्लिक और ग्रीन चिली के दरदरा पेस्ट के साथ। और इसको हम लोग अभी माइक्रोवेव के ग्रिल मोड पे बनाएंगे 4 से 4.5 मिनट टिल ब्राउन होने तक। ये डिपेंड करता है आपके वहाँ के पावर के लेवल के ऊपर। ये देखिए, ये है ग्रिल, ग्रिल में रोस्टिंग होता है ग्रिल, और इस पे हम 4 से 4.5 मिनट डालेंगे। ये आप बीच में खोल के देख भी सकती हैं, आप अपने हिसाब से ब्राउन होने तक इसको रख सकते हो। हाई रैक के ऊपर रख के हम इसको रखते हैं ग्रिल मोड पे। मैं आपको बता दूं कि जैसे कि अभी सबके घर में बच्चे हैं, सबके हस्बैंड हैं, सभी घर पे हैं लॉकडाउन के दौरान, और बेकरी का आइटम का लुत्फ नहीं उठा पा रहे हैं, तो हम इस तरह से एक छोटा मोटा थोड़ा सा चेंज लाने का कोशिश किए हैं, जो कि काफी हॉट एंड स्पाइसी है और आपको चटोरों लोगों को ये काफी पसंद आएगा। हो सकता है ये बच्चों को भी काफी पसंद है। आप इसके जगह गार्लिक और चिली के जगह पे कैरेट वगैरह और पालक वगैरह डाल के भी आप सैंडविच बना सकते हो। हम ये देख सकते हैं कि अंदर किस तरह से हमारा गार्लिक ब्रेड हो रहा है, चीज पूरा अच्छा से फूल रहा है। अब ये हमारा हो गया है गार्लिक ब्रेड बन के रेडी है। चीज काफी अच्छे से मेल्ट हो गया है और चीज ब्राउन भी हो गया है, ये आप देख सकते हैं। गार्लिक ब्रेड रेडी है, अब हम इसे प्लेटिंग करते हैं। ये देखिए, हमारा गार्लिक ब्रेड बन के रेडी है और प्लेटिंग भी काफी अच्छा लग रहा है। आप इसे किसी भी हॉट ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक के साथ आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। ये हमारा गार्लिक ब्रेड काफी ही खूबसूरत दिख रहा है प्लेटिंग के साथ, और आप इसे ट्राई कीजिए घर पे, और कमेंट में जरूर आप लाइक या सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। और नेक्स्ट रेसिपी आपको क्या देखना है माइक्रोवेव में जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।